स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। हमारे साथ दिवाली की हमारी इस खास कवरेज में एक बहुत ही खास मेहमान सीधे दुबई से जुड़े हैं, शंकर शर्मा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। शंकर, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, और सबसे पहले हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको दीपावली की शुभकामनाएं। कैसी लग रही है ये दिवाली शंकर आपको? दिवाली छोटे पटाखों में ज्यादा आवाज है, बड़े बड़े पटाखे थोड़े से नम हो गए हैं, तो उनमें वो बात नहीं है, तो मतलब हम छोटे पटाखे में खेलेंगे इस साल। तो आपने छोटे शेयर्स की बात की शंकर, तो ये जो स्मॉल और मिड कैप पटाखे हैं, इनके वैल्यूएशंस आपको कैसी लग रही है? छोटे पटाखों में क्या देखना वैल्यूएशन, तो छोटी चीजें हैं साहब। अभी मतलब उनमें अभी हर चीज में सिर्फ एक व्यापारी की तरह तो नहीं देख सकते ना कोई भी। जो स्मॉल कैप्स का जो एक ओवरऑल एरिया है, वहां पर वैल्यूएशंस वो रोल नहीं प्ले करता जो लार्ज कैप्स में प्ले करता, क्योंकि उनमें क्या नंबर्स चेंज हो सकते हैं। छोटी कंपनियों में एक बड़ा ऑर्डर आ जाए, 500,000 करोड़ का के टॉप लाइन की कंपनी को 500 करोड़ का नया ऑर्डर मिल जाए, तो फिर आप क्या वैल्यूएशन उसमें आप एस्टिमेट करेंगे? वो प्रॉफिट हो सकता है 25 करोड़ ये साल हो, अगले साल हो सकता है 50 करोड़ हो, 100 करोड़ हो। जो लार्ज कैप्स में काफी प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ जाती है, उसके चलते वैल्यूएशन श्रिंक कर जाते हैं। स्मॉल कैप्स में देयरफॉर रिस्क भी ज्यादा है, हो सकता है 25 करोड़ 5 करोड़ भी हो जाए, लेकिन फिलहाल मेरा यह मानना है कि वो दिन मुझे कई स्मॉल कैप्स में नजर नहीं आते, और मेरा यह मानना है कि स्मॉल कैप्स जो छोटे पटाखे हैं, मजा उनमें ज्यादा आएगा। शंकर, ग्लोबली मार्केट्स का सेंटिमेंट इस समय जिस तरह का है, चाहे वो ब्रेक्जिट हो, US प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, या फिर जो सॉफ्टनेस ग्लोबल मार्केट्स में है, आप इन मार्केट्स को इस समय कैसे देख रहे हैं? नहीं, मेरा मानना है कि अगर सिंस हम भारतीय हैं, हमें एक जो नजरिया है वो इंडिया के तरफ से देखना चाहिए दुनिया को, और ये मेरा मानना है कि इमर्जिंग मार्केट्स काफी अच्छे लग रहे हैं, काफी सुरक्षित लग रहे हैं। फरवरी का जो लो बना था, मेरा ये मानना था कि वो एक लॉन्ग टर्म लो बन गया था इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, और उसके बाद अगर आप देखें तो बहुत अच्छी रैली आई है, करीब 35-40% की डॉलर टर्म्स में ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में आया है, और उसके बीच में कई मार्केट ब्राजील की तरह हैं जो नियरली 80-100% अप है इन डॉलर टर्म्स इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। तो मेरा मानना है कि पूरा साइकिल एक चेंज हुआ है इन फेवर ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स पिछले 6-8 महीनों से, और ये सिंस ये चीन 3 या 4 साल की मंदी के बाद ये साइकिल चेंज हुआ है। ये जो लॉन्ग टर्म मंदी खत्म होती है और तेजी स्टार्ट होती है, वो कोई 4 महीने और 5 महीने में खत्म नहीं होती, फिर वो कम से कम 1-2 साल, 3 साल की तेजी बनती है। तो देयरफॉर दुनिया में जो भी हो, मेरा यह मानना है कि इमर्जिंग मार्केट्स एक बढ़िया एरिया है जहां पर लोगों को अपना विश्वास रखना चाहिए। एंड विद इन इमर्जिंग मार्केट्स मुझे ब्राजील भी अच्छा लगता है, रशिया भी अच्छा लगता है, चाइना भी अच्छा लगता है, और इंडिया भी अच्छा लगता है। तो जो ब्रिक की जो स्टोरी थी बीच में, वो तितर बितर हो गई थी 3-4 साल के लिए। आपको भी मालूम है कि 2011-12 के बाद इंडिया की भी सिचुएशन खराब थी, और ये जो और रशिया और ब्राजील जो है जो कमोडिटी सेंट्रिक मार्केट्स थे, उनकी हालत बहुत ही खराब थी, और चाइना बिकॉज ऑफ द डेट प्रॉब्लम्स उनकी भी हालत खराब थी। तो अब ये वापस कई वर्षों के बाद ब्रिक पैक वापस वापस ये दीवार बन रहा है इन 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 चार ईंटों से। तो मेरा ये मानना है कि ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स बहुत 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 पॉजिटिव है। हाँ, बीच में फेड की हाइक की बातें, ये सब चीजें आती रहेंगी, बट ओवरऑल सिचुएशन लुक्स वेरी वेरी गुड फॉर इमर्जिंग मार्केट्स। शंकर, एक नजरिया ये भी है कि इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया इज स्टिल द प्रेफर्ड बेट, लेकिन GST के जो 4 स्लैब्स हैं उनकी जिस तरह से बात हुई है, 6%, 12%, 18% और 26%, और हाल ही में जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, उसमें भारत की रैंकिंग बस एक स्पॉट से सुधरी है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? पहली चीज के ऊपर जो ये जो 4 स्लैब की बात है, मुझे नहीं मालूम है कि फाइनल हो गया, कि अगर आप कह रहे हैं तो शायद कोई भी तो हो ही गया होगा, लेकिन आई होप कि ये ना हो, बिकॉज ये फिर वापस एक डिफरेंट फॉर्म में बैक टू द ओरिजिनल ओल्ड VAT इन अ न्यू बॉटल हो जाता है। तो होल पर्पस वॉज सिंप्लीफिकेशन, बट समहाउ मुझे ये लगता है कि हमारी सरकारों में वो क्षमता नहीं है लोग चीजों को सिंप्लीफाई करने का, वो वापस घूम फिर के फिर वापस कॉम्प्लिकेटेड कोड्स बन जाते हैं, और जहां कॉम्प्लिकेशन है वहां फिर वो डिस्क्रेशन है, डिस्क्रेशन है तो वहां पर करप्शन है। हमने देखा इनकम टैक्स कोड में, कैपिटल गेन्स में, STT में लगता है आसान, लेकिन जब आप एक्चुअल प्रैक्टिस में देखने जाओ तो फिर भी डिस्क्रेशन हो जाता है इनकम टैक्स ऑफिसर के पास में।
कि वो किस तरह से कैटेगराइज करेंगे, उसके बाद फिर वो वापस करप्शन, वापस रेंट सीकिंग। तो आई वॉज होपिंग कि जीएसटी में एक जो भी एक रेट आप अग्री करें कर, वो थोड़ा किसी के लिए वो फायदेमंद होगा, किसी के लिए नुकसान होगा, लेकिन ओवरऑल देश के लिए एक गुड रेट हो जाए। लेकिन फिर अगर चार रेट्स में आप उसको सेपरेट करोगे तो मेरे हिसाब से केओस एंड कंफ्यूजन विल कंटिन्यू। जहां तक रही बात इज ऑफ डूइंग बिजनेस की, ये एक 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 दुख की बात है कि रैंकिंग इंप्रूव नहीं हुआ, लेकिन हमें जस्ट एक आउटसाइडर के पर्सपेक्टिव से हर चीज को नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए कई चीजों को, लेकिन हमें अपने आप से ऑन अ जीरो बेसिस ये देखना चाहिए कि चीजें सुधरी हैं या नहीं सुधरी हैं, और अगर हम उस चीज से हम संतुष्ट हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो हमें फिर भी काम करना चाहिए आगे। लेकिन मेरा ये मानना है, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट द लास्ट टू ईयर्स, मेरा ये मानना है पिछले कई वर्षों में इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हैज इंप्रूव, बट टू से दैट के इट इज 135th इन रैंकिंग इन द वर्ल्ड। मैं दुनिया भर में हर जगह बिजनेस करता हूँ, सिर्फ फाइनेंस का ही नहीं, कई अन्य चीजों का भी बिजनेस हम करते हैं, और मुझे मैं ये बहुत ही कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि ये इन रैंकिंग्स को मैं बहुत अहमियत नहीं देता। आई थिंक इफ यू सी यूएसए रेगुलेशंस, मैं दुबई में बैठा हूँ, यहाँ की रेगुलेशंस लोगों को मालूम नहीं है, लोग बहुत संकरी सोच में जाते हैं। अगर आप ग्लोबली देखें तो इंडिया में इतना इतनी भी यू नो सख्ती नहीं है रेगुलेशन में। यू कैन डू अ लॉट ऑफ बिजनेस लॉट क्विकर इन इंडिया देन यू कैन डू इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इस चीज में यह समय इंप्रूवमेंट चाहिए, होगा भी, लेकिन अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में ईज नहीं है, और हमें अपने आप से इंडिपेंडेंटली काम करते रहना चाहिए टुवर्ड्स मेकिंग थिंग्स ईजियर। सो इफेक्टिवली आर यू सेइंग कि लार्ज कैप्स में पैसा बनना मुश्किल होगा फिलहाल आने वाले एक साल में या फिर इस दिवाली से नेक्स्ट दिवाली तक? हाँ, मतलब रिटर्न्स ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप आज का भी मार्केट देख लें तो बहुत क्लियर है स्क्रीन, आप सामने स्क्रीन लगा के देखें तो द टेप इज टेलिंग यू अ वेरी क्लियर स्टोरी कि लार्ज कैप डाउन है, मिड कैप स्मॉल कैप अप है, और ये अगर आप देखें तो पिछले दो सालों में आपको कई दिन ये चीजें नजर आई हैं कि नॉर्मली इन तरह के दिनों में मिड कैप तो ज्यादा गिरते हैं, स्मॉल कैप्स तो उससे भी ज्यादा गिरते हैं अगर ओवरऑल लार्ज कैप्स डाउन है तो। लेकिन अगर आप देखें तो पिछले दो सालों में कई दिन ऐसे हैं जहां बिल्कुल डाइवर्जेंट मूव्स मिले हैं हमें, एंड टुडे इज वन ऑफ देम। ये आपको एक चीज कह रहा है, इसको आप चाहे तो इसको आप रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करें या इसको फाइट करें। बहुत लोगों ने फाइट किया कि नहीं जी स्मॉल कैप्स का वो तो थर्ड क्लास कंपनीज होती हैं, बेकार मैनेजमेंट होती हैं, वी विल स्टिक टू द कंफर्ट ऑफ द लार्ज कैप्स, और वो बिल्कुल ही एक एक पुअर इन्वेस्टमेंट रैशनल था, पुअर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी थी, और रिजल्ट्स उसमें मिले नहीं लोगों को। तो अब एक भागदौड़ स्टार्ट हो रहा है टूवर्ड्स स्मॉल कैप्स कि भाई अब ये रेस में हम छूट ना जाए। मेरा यह मानना है कि ये ऐसा नहीं कि रेस अब बिल्कुल खत्म होने वाला है। अगर आप देखें तो बीएसई का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, आई वाज लुकिंग एट इट यस्टरडे, अभी जस्ट अबाउट 1-2-3% दूर है अपने 2008 जनवरी के हाईस से। करेक्ट। तो अभी भी वो लॉन्ग टर्म हाईस को नहीं निकाला है, जबकि जो हमारे लार्ज कैप इंडेक्सेस है वो अपने 2008 के हाईस तो निकाल चुके। तो अभी ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप की जो तेजी है वो खत्म हो गई, अभी तो वो बेयरली उस लेवल पे पहुंचे जहां पर वो आज से 6-7 साल पहले थे। उसको क्रॉस करेंगे देन द रियल बुल मार्केट इन माय व्यू विल स्टार्ट। सो इस तेजी में अभी भी दम है और इन पटाखों में दम है, और जो बड़े पटाखे हैं उनके ऊपर मेरा एक बहुत क्लियर व्यू है कि कई काफी फटीग्ड हैं। दे आर बिकम लार्ज कंपनीज बाय वेरी डेफिनेशन cannot keep growing at 15, 18, 20% earnings growth every year. It's not possible. स्वाभाविक नहीं है, logical नहीं है, लाजमी नहीं है। तो और कई sectors में देखा है जैसे IT वगैरह में तो genuine stress है कि long term जो growth थी वो भी रहेगी या नहीं रहेगी। तो अब उस scenario में बाजार में पैसा अगर 100 रुपए है तो कहीं ना कहीं allocate होगा, और अगर आप देखें तो small caps की earnings growth कहीं superior रही है to large caps। तो ये logical बात है कि बाजार और पैसा उनकी तरफ जाएगा बनिस्पत के लार्ज कैप्स की तरफ। ये जो स्मॉल कैप और मिड कैप पटाखों की आप बात कर रहे हैं शंकर, उसमें कौन से वो पॉकेट्स हैं जिसमें अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं यहाँ से? क्रॉस द सेक्टर्स हैं, फाइनेंस में है, केमिकल में है, इंफ्रा में है, इवन स्मॉल कंज्यूमर्स में है। मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्षेत्र है जहां पर कि मुझे कई इंटरेस्टिंग कंपनियां मिलती हैं। और इंटरेस्टिंग एक और चीज ये दिलचस्प बात यह है कि
पिछले कई सालों में, खास करके जो मंदी के साल थे ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, जब कई एक कंपनीज इन कंपनियों को बहुत क्षति पहुंची, उन्होंने माइंडलेस एक्सपेंशन किया, ओवर लेवरेज किया, अब सारी कंपनियों ने एक फ्रंट तो ले लिया कि भैया हम लोन वोन नहीं लेंगे, अब हम अपने बिजनेस को इतना टाइटली चलाएंगे कि हमें कर्ज नहीं चाहिए, हमें ना फ्रेंकली उनको इक्विटी भी नहीं चाहिए। तो एक बैलेंस शीट की टाइटनेस उनमें आ गई है, जिसके चलते कि अब उनकी रिटर्न रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल वगैरह मुझे लगता है काफी इंप्रूव करेंगे आगे जाके। तो इनके मैनेजमेंट्स, हाँ वो टीसीएस के लेवल के मैनेजमेंट्स नहीं है फॉर श्योर, बट इन माई व्यू दे आर नॉट गोइंग टू बिकम चोर मैनेजमेंट्स और लो क्वालिटी मैनेजमेंट्स। हाँ ठीक है, गंदगी है बाजार में, हर जगह होती है, लेकिन बाय एंड लार्ज सबने अपने लेसन सीख लिए हैं। उनको मालूम है शेयर होल्डर वेल्थ क्रिएट करो तो बाजार आपको बहुत वैल्यूएशन देगा। जिनका मार्केट कैप 500 करोड़ है वो देखते हैं कि बाकी लोगों के मार्केट कैप 10,000 करोड़ रुपए हो गए तो हमें भी वहां पहुंचना है। तो एक ये पॉजिटिव साइकिल है लोगों की थिंकिंग में कि यार हमें भी अब कुछ करना है, अब उम्र हो गई 40-45 साल, अभी भी अगर 500 करोड़ के मार्केट कैप पे रहेंगे तो दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। तो एक ओवरऑल बड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट है इन मैनेजमेंट से, और मैं कई लोगों से मिलता हूँ एंड मैं यही कहता हूँ कि यार पुरानी गलतियों को भूल जाओ, मार्केट बड़ा एक तरह से एक अच्छा अध्यापक है कि वो आपको जब आप टेस्ट में फेल करोगे तो फेल मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन जब वापस आने लगते हो तो आपको वो ऐसा नहीं है कि हर बार फेल मार्क्स देगा इसके बावजूद कि आप अच्छे नंबर ला रहे हो, तो वो बायस्ड नहीं है। मार्केट इज अ फेयर जज एंड ओवर टाइम यू विल फाइंड इट विल रिवॉर्ड यू इफ यू कम बैक एंड डू द राइट थिंग एंड वो पास्ट को भूल जाएगा, जो कि मैनेजमेंट को बात अब समझ में आती है। तो मेरा इसलिए एक और कारण है कि मैं काफी बुलिश हूं स्मॉल कैप्स। शंकर, इस दिवाली से अगली दिवाली तक मार्केट की ट्रैजेक्टरी आपको क्या लग रही है, एंड सेकेंडली इस फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग तक कितने रिटर्न्स आप जनरेट होते देख रहे हैं इंडियन मार्केट्स में? ये अच्छा सवाल है, और अगर आप पिछले साल को देखें, पिछले दिवाली से इस दिवाली तक, तो मेरे ख्याल करीब 10-1% की है मार्केट में इजाफा हुआ है। अर्निंग्स ग्रोथ तो आपको मालूम ही कि क्या हुआ है FY16 में, और FY17 में भी मुझे लगता नहीं कि कोई खास अर्निंग्स ग्रोथ मोमेंटम है। इनफैक्ट frankly you could stare at a time when we may not have any earnings growth at all, agar IT mein hi earnings growth mein shati pahunche. To is scenario mein market ne 10% return kyun diya hai, ye gaur karne wali baat hai. And ye return mere hisab se isliye aaya hai kyunki bond yield jo 8% the aaj se ek saal pehle, aaj 7.5% pe aa gaya. To rest everything being equal, अगर बॉन्ड यील्ड्स कम होते हैं, इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, तो इक्विटी मार्केट्स रैली करते हैं। ये सिंपल इक्वेशन है जो सबको बाकी समझ में आती है, बिल्कुल। और वही एक एकमात्र कारण है जिसके चलते कि मार्केट डिस्पाइट वर्चुअली नो अर्निंग्स ग्रोथ एंड ऑन द ग्राउंड सेंटिमेंट हैज बीन वेरी सब्ड्यूड, उसके बावजूद भी मार्केट ने 10% का आपको ग्रोथ दिया है। आगे भी जाके लार्ज कैप्स है, मुझे मेरा ये मानना है कि आपको 5-10% एक मामूली ग्रोथ मिलेगा, एंड वो इसलिए मिलेगा कि मुझे अभी भी मेरा मानना है कि बॉन्ड यील्ड्स आर गोइंग टू हेड लोअर। सो देयरफॉर अगर ये 7.5% अगले साल तक, समझिए 6% आ जाता है, तो मार्केट आपको लॉजिकली अनदर 7-10% का राइज देगा। ये बात सिर्फ लार्ज कैप्स पे लागू होता है, ये बात हम एक्सटेंड नहीं कर सकते स्मॉल कैप। बॉन्ड यील्ड से और फेड से और ब्रेक्सिट से, इन सब चीजों से तो कोई लेना देना नहीं है, उनको अपने बिजनेस से उनकी जो एक संकरी डायनेमिक्स है उसके ऊपर वो चलते हैं। बट जो आपने लार्ज कैप का सवाल उठाया उसमें यही है कि नॉर्मल ग्रोथ मिलेगा आपको, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ मुझे इन एग्रीगेट नजर नहीं आता।